हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 और कोल इंडिया के बारे में। निफ्टी जो कि ट्रेड कर रहा था 12,400 के आसपास, वो आज ट्रेड कर रहा है 10,450 के आसपास। काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न माना जा रहा है कोरोना वायरस, जिसके से वर्ल्ड वाइड एक पैनिक है। बट एक और चीज़ है जो इसमें देखने लायक है, उसके लिए हम चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ। 2008 में एक फॉल आया था काफ़ी भारी, उसके बाद दूसरा एक फॉल आया था 2012 के आसपास, जो कंटिन्यू हुआ था 2013 तक। फिर जो एक फॉल आया था वो आया था 2016 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी चल रहा है 2020, यानी हर लीप ईयर, एवरी 4 ईयर्स ये एक साइकिल चला आ रहा है। अब रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एवरी 4 ईयर्स एक डाउनफॉल आता है। इस बार जो डाउनफॉल आया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी मंथली चार्ट पे 10,300 के आसपास एक सपोर्ट है उसका, जो एक बार टच करके ऑलरेडी आ चुका है निफ्टी। वहीं दूसरा अगर मैं बॉटम देखूँ, जो ये पॉइंट है, ये बॉटम जो बनाया था उसके हिसाब से अगर चलें तो डाउन साइड 9,700 9,650 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये एक लेवल्स है जो एक बार टेस्ट कर सकता है निफ्टी, लेकिन फ़िलहाल के लिए सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो मंथली चार्ट है वो मार्च की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मंथली चार्ट नेगेटिव हो जाएगा सुपर ट्रेंड पे, और एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए पॉजिटिव है सुपर ट्रेंड। अब देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यह है यूएस का नैसडैक, उसका इंडेक्स, और यह है डेली चार्ट। कल और परसों के दिन अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिली थी यहाँ पे, पर आज नीचे की तरफ ओपनिंग हुई है। अब यहाँ से ये मार्केट किस तरफ मूव होता है, अभी पूरी रात जो ट्रेड होगा उसके बेस पे अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो कल के दिन भी इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ये है SGX निफ्टी, जिसमें आप ये यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से ये फ्यूचर्स चलते हैं, ये एक इंडिकेशन देते हैं कि इंडियन मार्केट किस तरफ मूव करेंगे। फ़िलहाल ये नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, बट ज़्यादा कोई बड़ा ड्रॉप नहीं है। जो कंटिन्यू ड्रॉप हम देख रहे थे वैसा कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, एक बेस ज़रूर बन रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है उसके नीचे नहीं गया है। आज के दिन भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस, एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था। ऐसा नहीं है कि 200-400 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा है। इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए निफ्टी फिलहाल के लिए। यहाँ पे अगर एक सपोर्ट बनता है तो अपसाइड देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल चलते हैं कोल इंडिया की तरफ। यह है कोल इंडिया का आवली चार्ट, जो हो चुका है पॉजिटिव, 165 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट पे अगर हम गौर करें तो जो मंडे के दिन जो ड्रॉप हुआ था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये जो कैंडल यहाँ पे बना है ये काफ़ी पॉजिटिव है कोल इंडिया के लिए। बट डेली चार्ट अभी भी नेगेटिव है, 185-187 के पास है इसका रेजिस्टेंस। बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, एक छोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो और क्वांटिटी ऐड कीजिए, बट फिलहाल के लिए 185 पे डेली चार्ट का रेजिस्टेंस है। आवरली चार्ट हो चुका है पॉजिटिव, तो अगर आप बाई करते हैं यहाँ पे तो 157 या जो ऑल टाइम यहाँ पे लो दिख रहा है 157, उसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाकी अभी
बहुत अच्छे रेंज में है बाई करने के, बॉटम आउट हो चुका है। अब इसके नीचे अगर जाता है तो और भी डाउनसाइड देखने को मिलेगा, फिर आप वेट कीजिए, इसे थोड़ा सस्टेन करने दीजिए नीचे की तरफ, क्योंकि अभी ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर रिवर्सल आता है तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए एंड थोड़े लंबे टाइम के लिए रखिए इस स्टॉक को, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है कोल इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।